बटर, ये कलर है, ये कुछ मसाले और एक ग्लास दूध। सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेंगे, जो पसंद की किसी भी शेप में हम इसे कट कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच बटर डालेंगे हम। हमें इसको बटर में ही बनाना है। इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम ये टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। अब इसमें ये काजू भी डाल देंगे। इसमें प्याज टमाटर को मैंने मोटा मोटा ही काटा है। इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, जिससे कि अच्छे से भुन जाए। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे 2 चम्मच और इसको 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए हैं, भुन भी गए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी की जार में इसे डालकर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही महीन पेस्ट बनाएंगे हम इसका। अब एक बाउल में हम 1/2 ग्लास दूध लेंगे और उसमें हम ये मसाला डालेंगे। ये पनीर बटर मसाला का जो मसाला है, आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, और ये आप मार्केट में आराम से अवेलेबल है। आप पनीर बटर मसाला के नाम से इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसको डालने से होगा ये कि पनीर बटर मसाला का जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही आएगा। इसके बिना ही भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसा आप खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट इसमें आएगा। अगर आपको मिल जाए तो इसे आप जरूर डालिए। जैसे आप सांभर में सांभर मसाला डालते हैं और छोले में छोले मसाला डालते हैं, उसी तरीके से आप इसको इसमें डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा पनीर बटर मसाला आपका बन के तैयार होगा। देखिए इसको हम अच्छे ढंग से पकाएंगे। दूध को जब इसमें हमने दूध डाला है, इसलिए हम इसे मिक्स करते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे ग्रेवी की गाढ़ा होने तक, क्योंकि हमने इसमें मसाला डाला है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये कटे हुए पनीर के पीसेस डाल देंगे। ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, इससे इसमें खुशबू बढ़ जाएगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है देखिए।
इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। इसे हमें 2 मिनट ढक के रखना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर ही रखेंगे। 2 मिनट बाद देखेंगे, ये देखिए पनीर बटर मसाला बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बन गया है ये। इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबी प्रोसेस तो है नहीं, बहुत ही ईजी है बनाने में। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितना क्रीमी और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है पनीर बटर मसाला, एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, एकदम बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला, एकदम बढ़िया। आप इसे एक बार बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये। देखिए इसके ऊपर थोड़ा बटर डालेंगे। ये देखिए पनीर बटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है, तो आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी आज आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय।